आइए दोस्तों, आज मैं आपको 11-12 साल की बच्ची का गाउन बनाना बताऊंगा। ये देखिए, ये नाप है, 50 इंच लंबाई रखी है ये मैंने। ये क्योंकि देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे लंबे होते हैं, कुछ बच्चों की हाइट थोड़ी कम होती है, तो ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे थोड़ा बढ़ते भी हैं लंबाई में। अगर ऐसी चीज़ें आप बनाएंगे तो ये इतनी जल्दी जो है यूज नहीं हो जाती हैं, ये कभी पार्टी वूटी में यूज करना होती हैं। तो इसकी 50 इंच मैंने लंबाई रखी है, और चेस्ट जो है 29 इंच है, और कमर 27 इंच है। तो इसमें 29 इंच है, तो 29 इंच में 4 इंच प्लस कर देंगे, हल्का सा लूज लेके चलेंगे, और कमर में 3 इंच, और ये स्लिप लेस बनाएंगे, और तीरा इसका है 13 इंच। तो ये बोट नेक हम गला बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको नाप को हम सामने रख लेते हैं। इस लेस का भी हम यूज करेंगे, तो इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे वो बता देंगे आपको। अब ये देखिए, ये अस्तर है, इस पर मैंने प्रेस लगा ली है। ये 3 मीटर अस्तर है, छोटी अरज का है, और ये कपड़ा है, ये थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है। तो इस तरीके के गाउन बनाने के लिए आपको कम से कम लंबाई जो ये 50 इंच है, और अगर थोड़ा घेरा भी अगर आपको रखना है, तो इसके लिए कपड़ा कम से कम आपको 4 से 3.5 मीटर चाहिए। इससे कम में नहीं बनेगा, 3.5 मीटर में घेरा कम बनेगा, और 4 मीटर ले लेंगे तो बड़ी अरज में तो घेरा अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिए, इसको सबसे पहले जो मैं ये अस्तर है इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, ये छोटी अरज का है, तो इसको इस तरीके से देखिए ट्रायंगल शेप में इसको बनाएंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके, तो ये देखिए इस तरीके से। तो इसकी 27 इंच कमर है, उसमें 3 इंच हम प्लस कर देंगे तो 30 इंच हो जाएगी। तो ये देखिए, 30 इंच का जो होगा आधा 15 इंच होगा, और 15 का आधा जो होगा वो 7.5 इंच। तो इस तरीके से देखिए, ये 7.5 इंच इस तरीके से ये निशान लगाएंगे यहाँ पे, और ये गुलाई कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके, अब ये गुलाई करने से ये देखिए, ये 7.25 इंच के करीब आ रहा है, तो ये हल्का सा बढ़ भी जाता है, तो आराम से आपका आ जाएगा। और इसकी देखिए, जो ऊपर का जो चोली जो बनाऊंगा मैं, वो 13 इंच तैयार बनाऊंगा, तो 13 इंच तैयार है, तो ये 12.5 इंच पे इस तरीके से ये निकाल के अब इसका निशान लगाएंगे। देखिए, ये 50 इंच लंबाई है, तो ये देखिए, ये छोटी अरज का है ना, तो इसलिए ज़रा ये थोड़ा जोड़ ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो इस तरीके से ये 46-47 इंच में अस्तर की कटिंग करूँगा, बाकी उसका जो है वो 50 इंच पूरा रखेंगे। अब ये देखिए, इसको इस तरीके से नाप लेंगे, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 43, मतलब 43 इंच। तो 43 इंच हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे निशान लगाएंगे, इसको इस तरीके से गुलाई कर देंगे, और 43 इंच यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से, ये निशान लगाने के बाद में अब इसको देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और इसको फिर ये जो यहाँ पे कपड़ा ये कम है अस्तर का, इसको हम जोड़ लगा लेंगे यहाँ पे। ये देखिए ऐसे करके, और ये भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये जो इधर से ये बचा है अस्तर, ये कन्नी वाला हिस्सा, इसको देखिए, क्योंकि पहले जोड़ ये निकाल लें, क्योंकि यहाँ से जोड़ निकाल लेंगे आराम से एकदम, ये आपका जोड़ पूरा परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें कन्नी सेट से चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, ये जो बंद वाला हिस्सा है इसको हम इस साइड में रख देंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए इसको इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए, ये बिल्कुल एकदम पूरा परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जितना हमें चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, ये यहाँ पे जो है ये जोड़ है जो 1 इंच का, हम ये एक्स्ट्रा करके लगाएंगे, जो यहाँ पे मार्जिन रहेगा जो दबाएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। ये देखिए इस तरीके से, ये अस्तर की पूरी कटिंग हो गई है ये इस तरीके से। अब इस पे ही रख के हम जो मेन फैब्रिक है उसको भी काट लेंगे। अब हमें
इसकी जो है वो चोली की कटिंग करनी है। अब ये देखिए, अगर हम पहले चोली काटते तो ये इतनी लंबाई में अस्तर नहीं निकलता, क्योंकि ये देखिए हमें जितना चाहिए इसमें से ये हमारा पूरा आ जाएगा इसमें। ये देखिए ऐसे करके ये हमारा 29 इंच है, और इसमें 3 इंच की हम 4 इंच की लूजिंग दे देंगे तो ये हमारा 33 इंच चेस्ट तैयार आ जाएगी। तो देखिए 33 इंच का ये हमारा आराम से आ जाएगा, 8.5 इंच, 8.5 का भी ये हो जाता है 34 इंच, तो ये आराम से हमारा आ जाएगा। छोटे बच्चों के गाउन के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी हैं, तो मैंने आज सोचा कि आज आपको ये बना के दिखा दूं। ये देखिए इस तरीके से ये निशान लगाएंगे, और 13 इंच इसकी चोली की लंबाई है, तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे 14 इंच पे। ये देखिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन चला जाएगा, आधा इंच नीचे। अब ये जो बच्चे होते हैं इनके छोटे, तो इनका जो आर्महोल लेंथ का हिसाब किताब होता है ना, इसका ज़रा थोड़ा सा निकालना मुश्किल पड़ जाता है कि किस तरीके से निकालें। तो इसके देखिए आर्महोल लेंथ जो मैं रखूँगा वो 6.5 इंच रखूँगा, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं जब हम नाप लेते हैं ना, तो बच्चों का हिसाब किताब ये होता है कि जब हम नाप ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये बच्चा किस तरीके का है, क्योंकि उसका साइज़ वैसे ही पता चल जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़े हेल्थी होते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उसके हिसाब से जब आप नाप लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस तरीके का है, कि मतलब हेल्थी है या कमज़ोर है थोड़ा, तो आप उसके हिसाब से ही निकाल लेंगे। ये देखिए 8.5 इंच में एक सूत कम, इस तरीके से ये निशान लगाऊं, और यहाँ पे नीचे लगाना है हमें 7.5 इंच का, ये 30 इंच है, देखिए इस तरीके से। अब इसको देखिए इस तरीके से, जो ये सेफ यहाँ से होता है, ये छोटे बच्चों में ये सेफ फट्टी इस्तेमाल नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ से देखिए उनकी चेस्ट और अपर चेस्ट का नहीं होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर छोटे बच्चे जो होते हैं ना इस तरीके के, जो जिस तरीके का ये साइज है तो ये एक बराबर ही है साइज, तो इस तरीके से ये हम सेफ फट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जब आप नाप लेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। 13 इंच 13 है, तो हम इसका देखिए 13 इंच 13 कटिंग करेंगे, और नीचे की साइड में जो है हम ये 11.5 इंच, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसी तरीके की ये और छोटे बच्चों के ही 13-14 साल के बच्चों का भी मैं जैसे प्रिंसेस कट गाउन बनाना भी बताऊंगा आपको आगे वीडियो में बनाऊंगा ये। अब ये देखिए हम बोट नेक गला बनाएंगे, तो ये बोट नेक गला हम बनाएंगे इसमें 8 इंच, और इस तरीके से हम बनाएंगे ये 3 इंच, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना इनका ज़्यादा डीप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर गला बड़ा हो जाएगा। अभी देखिए इस तरीके से ये डाउन कर देंगे, और ये देखिए बैक को भी हम, क्योंकि ये स्लिपलेस बना रहे हैं तो बैक हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे, इस तरीके से 1/2 इंच के करीब, और इसको देखिए ऐसे करके सेव कर दें। ये तकरीबन इनके गोलाई में आर्महोल जो होगा वो 13-14 इंच के करीब होगा टोटल, तो 13-14 इंच होगा, तो इस ये आराम से आपका आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसको देखिए इस तरीके से, ये पहले बैक को ही कटिंग कर लूँगा। ये देखिए, अब एक कट यहाँ पे लगा लेंगे, और एक कट यहाँ पे लगा लेंगे, और एक कट ये यहाँ पे। अभी हम इसकी फ्रंट की देखिए कटिंग कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से ये हमने फ्रंट की कटिंग कर दी। अब इसी तरीके से सेम हम मेन फैब्रिक भी कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने ये ट्रायंगल शेप में इसको देखिए ऐसे बिछा लिया, ये मेन फैब्रिक को, ये देखिए ऐसे करके। देखिए ये थोड़ा ना घेरा इनका ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो ये चीज़ें जो है ना काउंटर पे आसानी से कटती नहीं है, क्योंकि इस पे जगह कम होती है। ये देखिए इस तरीके से जो हमने इसका घेरा जो काटा था, ये देखिए ये वाला, इसको देखिए इस तरीके से ऐसे करके रखेंगे, क्योंकि इस तरीके से ये पूरा रखने से देखिए आपकी कमर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी जितनी आपको चाहिए।
अब ये देखिए इसका घेरा भी, ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी देखिए लंबाई जो है हमने 13 इंच रखी है, तो 13 इंच इस तरीके से देखिए ऊपर ये निकाल देंगे, 12.5 इंच, आधा इंच का मार्जिन। अब 50 इंच का ये निशान लगाएंगे, देखिए ये देखिए इस तरीके से ये 50 इंच। अब इसमें जो मार्जिन हमें लेना होगा क्योंकि बारीक फोल्ड करना है, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा कर लेंगे। अब ये देखिए इसको टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 37.5 इंच, तो 38 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके। अब ये कोने पे इस तरीके से ले जाएंगे इसको, और ये आ गया आपका 48 इंच, इस तरीके से देखिए 48 इंच पे ये निशान लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके। अब पहले देखिए इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर ये निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से ये निशान लगा के यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगा और ये कटिंग कर लूँगा। ये देखिए ये मैंने पूरी इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब ये यहाँ पे देखिए इसका ये मैं जोड़ काट लूँगा, इसको मैं एक तरफ ये हटा देता हूँ। अभी फिलहाल जो ये जो इसमें से देखिए ये सेट से जो कपड़ा बचा है इसकी गुलाई में से, क्योंकि कपड़ा ये थोड़ा ज़्यादा है इसलिए, देखिए ये है इसके अंदर, ये देखिए इस तरीके से एक साइड से ये रख लेंगे, ये इधर वाली साइड से, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से रखेंगे तो ये ऊपर की साइड में देखिए ये चढ़ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इसको कपड़े को देख लें यहाँ से, देखिए ये हमारा ये बराबर आ रहा है। अब इसको हम देखिए इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये भी मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगा और इसी तरीके से सेम बैक को भी काट लूँगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये पूरी कटिंग इस तरीके से हो गई है। अब कटिंग करने के बाद में देखिए मैंने इसके जोड़ भी ये कटिंग कर लिए हैं, और जोड़ काटने के बाद में देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या इसमें, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये जोड़ है इसके इस तरीके से। इसको देखिए घेरों को हम इस तरीके से हटा लेते हैं। अब ये देखिए जो ये बैक है, इस बैग के अंदर देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से, ये बैग का जो हमारा ये कपड़ा है इसको देखिए यहाँ से कच्चा करेंगे। कच्चा करने से पहले क्या करेंगे हम, इसमें जो है इसका गला हम पहले ही देखिए इस तरीके से ये कटिंग कर देंगे जो हमने इसमें निशान लगाया है, और ये गला हम इसमें पलट देंगे, ये देखिए इस तरीके। ये देखिए इस तरीके से इसको हम देखिए अस्तर को ऐसे करके रखेंगे, ये सेम वाला है जो मेन फैब्रिक है इसको, और ये जो अस्तर है ये देखिए ये बैक का, इसको इस तरीके से क्योंकि सीधी तरफ से रख के यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए ये फ्रंट है, इसको भी हम इसी तरीके से देखिए ऐसे करके जो ये मारिक वाला हिस्सा है इसको अंदर की साइड करेंगे, यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इसको काट के फिर पलट देंगे। ये देखिए दोस्तों इसको इस तरीके से ऐसे करके रखेंगे, और एक पैर की मदद से ऐसे करके देखिए इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब इसको देखिए हम इस तरीके से देखिए एक पैर के मार्जिन से इसको काट लेंगे। और ये यहाँ पे इस तरीके से देखिए कट लगा लेंगे। ये देखिए एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से,
ये देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद में इसको इस तरीके से हाथ से या तो प्रेस से, मैं प्रेस से इसको इस तरीके से बिठा लूँगा, और बिठाने के बाद में इसको इस तरीके से यहाँ से देखिए ये कच्चा करूँगा पूरा। और इसी तरीके से सेम बैक को भी, मगर बैक को हम पहले कंधी जोड़ेंगे उसके बाद कच्चा करेंगे, वो हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से करना। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से ये पूरा चारों तरफ इस तरीके से कच्चा कर लिया, और ये प्रेस लगा के अब ये देखिए ये पूरा अच्छी तरीके से ये बैठ गया है। और इसी तरीके से देखिए ये बैक में भी मैंने प्रेस लगा दी है, मगर इसको मैंने देखिए कच्चा नहीं करा है। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले हमें इसकी कंधी ज्वाइंट करनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके फिर इसको इस तरीके से रख देंगे, ये हमारी बिल्कुल बराबर से ऐसे कंधी आ जाएगी। अब ये कंधी जो है हमें हमारी ना गुम हो जाएगी, अब इसमें हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके ये गुम हो गई यहाँ से बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ में। अब इसी तरीके से ये दूसरी वाली भी देखिए ऐसे करके यहाँ से ये सिलाई लगाएंगे पहले, उसके बाद ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए एकदम ये फिनिशिंग के साथ में ये इस तरीके से देखिए ये कंधी बिल्कुल फिनिशिंग से हो गई। अब इसको देखिए कच्चा कर लेंगे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए अभी इसी तरीके से ये वाली ये पूरी सिलाई इस तरीके से लगा के यहाँ तक, और ये मार्जिन जो है इसको मैं काट दूंगा, उसके बाद आपको देखा। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से ये मैंने इसको कच्चा कर लिया है, कच्चा करने के बाद में ये मार्जिन भी काट दिया है। अब ये काटने के बाद में देखिए ये मैंने और ये पट्टी इस तरीके से ये काट ली है जो ये अस्तर की है। तो ये देखिए ये मैं आर्म होल में ये इसको फालिस पट्टी लगा लूँगा ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये इसको ऐसे करके हाथ से ये नाखून की मदद से इसको देखिए ऐसे करके सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में देखिए इसका मार्जिन जो है ना इतना इतना काट देंगे, इस तरीके से। और मार्जिन काटने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और ये इधर फोल्ड कर देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इसको भी काट देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये फालिस पट्टी लग जाएगी, हम यहाँ पे प्रेस से इसको बिठा देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले में लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैंने देखिए इस तरीके से ये प्रेस से ये बिठा दिया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठ गया है। अब इसको देखिए हम एक साइड से रख देते हैं, क्योंकि हमें अब सबसे पहले ये देखिए इसके अंदर ये जोड़ लगाने, जो ये सेम का कपड़ा है, ये देखिए ये देखिए ये जोड़ इस तरीके से रख के देख लेंगे ऐसे करके पहले। ये देखिए जैसे ये सीधा आ गया, अब ये जोड़ को इसी तरीके से देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, देखिए ऐसे करके,
ये देखिए ये एकदम बिल्कुल बराबर आ गया, और नाखून से इसको हल्का सा ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बैठ गया। अब हल्की सी प्रेस भी लगा लेंगे इसको। अब ये एक पल्ला तो ये इस तरीके से सेट हो गया, इसको देखिए हटा लेते हैं। अब ये दूसरा पल्ला जो है ये देखिए इसका ये वाला हिस्सा है, इसको देखिए इस तरीके से ऐसे रखेंगे ये, और इसको यहीं पर देखिए ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे, और ये यहीं की यहीं इस तरीके से जोड़ लगा देंगे। ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे काट के, अब ये जो पल्ला देखिए इसको इस तरीके से निकाल लेंगे ये, और ये ऐसे करके नाखून से सेट कर देंगे। अब ये देखिए ये इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल बराबर आ गया। हल्की सी इस पर प्रेस लगा देंगे। अब ये जो इसका अस्तर है, अस्तर को भी देखिए हमें जोड़ लगाना है। ये देखिए ये अस्तर है, तो इसको भी देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने उसमें जोड़ लगाया है, इसी तरीके से इसमें भी ये यहाँ पे जोड़ लगा लूँगा, उसके बाद आपको दिखा। ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से मैंने ये दोनों पल्लों में इस तरीके से जोड़ लगा लिया है। अब ये देखिए इसमें जोड़ लगाने के बाद में हम इसको देखिए ऐसे करके रखेंगे, और ये जो है मेन फैब्रिक इसका, इसको देखिए इसके ऊपर रखेंगे ऐसे करके। हम यहाँ पर ये दोनों साइडें जो हैं इसकी ना, वो अलग अलग हम जोड़ेंगे ताकि लूज टाइट करने में आसानी रहे। अब ये देखिए इसको इस तरीके से एक बार नाप लेंगे कि ये बराबर आ रहा है नहीं, तो इतना अस्तर छोटा आ रहा है। अभी इस अस्तर को ऐसे करके खींचेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा खिंच जाता है थोड़ा सा। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके ये बिल्कुल एकदम बराबर आ गया। ये देखिए अब इसी तरीके से मैं दूसरा वाला भी जोड़ लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये दोनों मैंने इस तरीके से देखिए ये जोड़ लिए। अब इसमें से देखिए एक पल्ला मैं इस तरीके से अपने पास ये रख लेता हूँ, और इस पल्ले को देखिए ये ऐसे करके। अब ये देखिए इसकी जो चोली है जो हमने बनाई है, इसको इस तरीके से देखिए इस पर ऐसे करके, ये नाप लेंगे देखिए कितना ये छोटा बड़ा रहा है, क्योंकि इसमें मार्जिन भी है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसको हम जो चोली है इसको नीचे की साइड रखेंगे, और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम ऊपर रखेंगे। तो इतना इतना ये निकाल देंगे आधा इंच के करीब। ये देखिए इसको ऐसे करके ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये एक पल्ला हमारा इस तरीके से ये पूरा जोड़ दिया हमने। अब इसी तरीके से दूसरा वाला भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से ये मैंने दोनों पल्ले इस तरीके से ज्वाइंट कर लिए हैं। अब ज्वाइंट करने के बाद में देखिए हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो भी साइज है इसका, जो निशान लगा हुआ है ये देखिए इसके हिसाब से हम इसको ये निशान लगा लेंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे करके, और ये देखिए ये हमने जिप ली है, ये वो जिप हम लगाएंगे साइड में, क्योंकि देखिए ये छोटे जो इनके बच्चों के जो गाउन होते हैं ये, इसमें इनको पहनने में ना थोड़ी सी ज़रा हाथ उत नहीं आता है सही करके, तो फंस जाता है। तो इसमें जिप लगा देंगे तो उनको पहनने में आसानी रहेगी, क्योंकि पहनते टाइम उनके शोल्डर जो है ना फंस जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए ऐसे करके, अब ये देखिए यहाँ से ये चारों पल्ले अभी यहाँ पे आके पक्का कर देंगे ऐसे करके। पक्का करने के बाद में देखिए ये दो अस्तर के पल्ले जो हैं इनको हटा देंगे ऐसे करके, क्योंकि अस्तर अब हम यहीं तक अटैच करेंगे साथ में, बाकी अलग अलग करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। यहाँ पे हम इसको काट के फिर बॉर्डर लगाएंगे। और ये देखिए ये जो अस्तर है इसको हम इस तरीके से देखिए ये लेंगे। ये जो कपड़ा है मैन वाला जो, इसको अंदर की साइड में ऐसे करके कर देंगे और फिर ये वाली सिलाई लगा देंगे इसे। ये देखिए अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे जिप लगाएंगे इस साइड में। तो जिप किस तरीके से लगाएंगे वो भी हम बता देंगे आपको। पहले हम ये सिलाई लगा लेते हैं फिर उसके बाद आपको दिखा। ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद में देखिए मैंने ये जिप थी ये छोटी जिप लगा रहा हूँ इसमें। तो ये मैंने इससे नाप के ये आधा इंच ऊपर और एक इंच नीचे करके इसके इस तरीके से ये छोड़ दिया ये मैंने। अब ये देखिए इसको हम इस तरीके से जिप को लगा लेंगे। ये जिप जो है ना मैं सिंपल जिप लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें जिप जो लगती है वो गुम लगती है। मैं सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे इसमें जिप लगा लेंगे। क्योंकि ये ज़्यादातर जो गाउन होते हैं ना इनके अंदर गुम जिप ही लगती है। गुम जिप जो लगती है ना वो ज़रा नज़र नहीं आती, तो इसलिए आप गुम जिप लगाएं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, और ये छोटी भी है इससे बड़ी लगती है वो थोड़ी सी इस तरीके से देखिए। ये देखिए ऐसे करके ये एक सिर्फ मैं तरीका आपको कि इस तरीके से आप अभी देखिए मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ क्योंकि ये मैंने किसी लिए लगाई है। देखिए जैसे ये है, अब बच्चे जो डालते हैं ना तो ये इस जगह से ये कमर कम होती है ना, तो यहाँ पे उनके शोल्डर फंस जाते हैं तो इस जिप को देखिए आप इस तरीके से। ये खोल देंगे तो ये कमर की जगह जो है ना इस तरीके से खुल जाएगी। तो ये जब शोल्डर डालेंगे तो ये इतनी बढ़ जाएगी तो आराम से आ जाएगी। अब ये देखिए ये इस तरीके से हो गया गाउन पूरा। अब इसके अंदर देखिए हमें यहाँ पे ये इसका घेरा फोल्ड करना है अस्तर वाले का, और उसके बाद में इसमें लैस लगानी है। तो पहले इसका अस्तर वाले का घेरा फोल्ड कर लेते हैं, फिर किस तरीके से लैस लगाएंगे वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको फाइनल लुक। ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके से मैंने ये अस्तर का घेरा फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद में देखिए हल्का हल्का घेरा ये छोटा बड़ा था कहीं पे जैसे ये, तो मैंने उसको भी एकदम बराबर कर लिया है। अब ये देखिए जैसे ये घेरा है इसको हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे। और हमने इसका धागा जो है ऊपर वो चेंज कर लिया है क्योंकि हम इसमें गोल्डन लैस लगा रहे हैं ये वाली देखिए। तो देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे ऐसे करके, हल्की सी सिलाई भी बड़ी कर लेंगे ये, और जितना आपने मार्जिन है इसमें उस तरीके से इसको ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आधा इंच, ये देखिए ऐसे करके।
ये देखिए इसको इस तरीके से लगा के, ये अब इसको देखिए ऐसे करके ये पलट देंगे, ये जो है ये देखिए जैसे ये ऐसी इस तरीके से आई, अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे सीधी तरफ ऐसे। ये देखिए इस तरीके, इसको जब भी लैस को ऐसी कोई भी लैस लगाएंगे आप, तो ये जब कपड़ा आ जाता है यहाँ पे तो ये ओरिएब होता है थोड़ा सा, तो ये सीधी होती है, तो इसको हल्का सा इस तरीके से नम करके चलेंगे। देखिए ऐसे करके, ये ऐसे करके लिया और यहाँ पे खींच लिया और इसको नम कर दिया ऐसे, तो आपकी ये कहीं पे झोल नहीं आएगी इस तरीके से। देखिए तो ये इसी तरीके से ये पूरी ये सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से ये इसकी फ़ाइनल लुक है, क्योंकि ये छोटा साइज है, इसको हम डमी पे पहना नहीं सकते, तो ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का घेरा भी, ये देखिए ये घेरा इस तरीके से आएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपना मतलब 11-12 साल मतलब 13 साल के भी बच्चे के ये आराम से आ जाएगा, क्योंकि अगर उसका शरीर हल्का है तो 14-15 साल के बच्चे के भी ये आ जाएगा आराम से, क्योंकि और लंबाई तो इसकी अच्छी खासी हमने रखी दी है, क्योंकि हाइट हमने अच्छी खासी इसकी 50 इंच के करीब ली है। तो आप इसकी लंबाई जो है वो अपने हिसाब से रखें, और जो इसका साइज़ है वो आप अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि जब आप साइज़ लेंगे तो आपको पता होगा, तो आप उस हिसाब से आप इसका साइज़ और वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये मैं आपको इसको देखिए खड़ा करके ऐसे करके दिखाऊँगा एक बार, क्योंकि इस तरीके से देखिए इसकी लुक नहीं आती है। ये देखिए ये इस तरीके से ये आएगा, क्योंकि अगर ये छोटी डम्मी होती तो मैं आपको दिखा देता पहना के, क्योंकि देखिए पहनने के बाद में जो इसकी फॉल आती है, देखिए जैसे ये चीज़ जो नीचे का घेरा है, ये देखिए इसके घेरे की जो लुक आती है वो पहनने के बाद में वो बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप अपना डिजाइनर गाउन बना सकते हैं, वो भी पार्टी वियर। ये बिल्कुल सिंपल उसमें है, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है सारा वो कपड़े में ही है, कपड़े के हिसाब से ये, क्योंकि अगर कपड़ा इसका प्लेन होता तो मैं इसमें डिज़ाइन और करता, मैं इससे छोटे पीस भी और बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।